सामने वाला उसमें भी तीन। थोड़े दिनों बाद में अपना सेटअप हेलमेट पे बनाएंगे एकदम मस्त वाला। हेलमेट नया खरीदना पड़ेगा इधर, तब जाके कोई मेरा सेटअप बनेगा। सुबह जब भी खड़े हम एकदम बहुत ही रिस्की इलाके में, देख सकते हो पीछे वाला ये वाला। तो भाई इस मिट्टी का कोई भरोसा नहीं, इधर कभी किधर भी गिर जाती है। अभी देखो ये कल वाली इधर गिरी थी, ये वाला पूरा है पोर्शन इधर से देखो कितना डह गया नीचे। ये जाल फिर हटाने पड़े जल्दी भाग के। तो और वो उधर वाला कोना एक वो भी गिर गया नीचे। अभी कल तो देखो मतलब अभी मेरे को इधर आए हुए हो गए 7 दिन, आज 7वां दिन है। तो 7 दिन में देखो क्या क्या काम हो गया। पीछे वाला ये जाल वाला काम हो गया इधर पूरा। और इधर अभी कॉलम खड़े कर रहे हैं, फिर कॉलम का फुटिंग फाउंडेशन वगैरह सारा करके फिर खड़े, जो मिट्टी गिर रही है ना वो वाली उनके बीच में डालना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे तो है ना मतलब पूरा मिट्टी उठा उठा के बाहर डालना, फिर उसको वापस गिर रही है वापस उठाओ, तो उससे अच्छा है इन कॉलम का फाउंडेशन करवा के फिर इनके अंदर डाल दें, इनके बीच में जो गैप रहेगा ना वो जैसे वो वाला, तो उसके अंदर डाल देंगे मिट्टी को, तो वो वाला सही रहेगा। क्योंकि ना फालतू में मतलब मजदूर वजह लगाना पड़ रहा है, तो उससे अच्छा है कि ना मिट्टी वगैरह उसी में डाल देंगे। अभी देखो उधर लगे हुए हैं कॉलम, हाइट अभी 12 फीट नीचे से, तो ये वाला वहाँ तक आधा तो मिट्टी में रहेगा अभी पूरा, किसके फाउंडेशन आएगी भी 3-3.5 फीट तक की, तो वो आने के बाद में फिर इसका कॉलम भराई करेंगे, फिर उसके पूरा लेवल में TPC डालेंगे। तो गाइस चलो अभी आपको उधर वाला दिखाते हैं, इसका जो फाउंडेशन का बना रहे स्टेप बना रहे डबल स्टेप का। अभी ये वाला सिंगल स्टेप है, इसमें 400 mm बोले तो 15-16 इंच का ये आएगा फुटिंग, 15-16 इंच ऐसे हाइट, फिर उसके ऊपर का और आएगा। तो ये वाला सिंगल है, इसके ऊपर डबल जाल बना रहे उधर, तो वाला दिखाते हैं। तो मतलब सुबह शाम पे इधर धूप पड़ती है, मतलब सर्दी पड़ती है सुबह शाम तो, और दिन में भाई बहुत धूप पड़ती है, बहुत ख़तरनाक वाली। ऐसे बिना इसके बोलते हैं ना रुमाल के खड़ा नहीं रहा ज़्यादा मेरे को। तो अभी मैं जा रहा हूँ उधर दिखाने, बहुत कड़क है सूरज साला, दिमाग गर्म हो जाता है। वैसे गर्म नहीं रहता, वैसे गर्म हो जाती है स्किन पूरी ख़तरनाक वाली। तो ये वाला इधर का जाल पड़ा है, देख रहे हो कितने पास पास बनाया है, सारा कोलम का छांव बन रहा है उधर। ये देखो कोलम 3 फीट के आसपास कोलम है, कोलम की छाया जा रही है उधर पूरा। ये इसका डबल स्टेप, ये सिंगल भराई इधर तक की, ये डबल, एक फुटिंग में इसमें 3 कॉलम है, इसमें 1 है उधर सामने वाला उसमें भी 3। बच गया रे बाबा तू। ये देख रहे ऐसे गिर रही मिट्टी। सुबह से लगे उठाने को, ये उधर फिर से गिर गए। इसके पीछे ना नाली है, तो ये जो मिट्टी जैसे जैसे गिली हो रही वैसे वैसे गिरती जा रही है। अभी कल उधर पूरा खोद के पूरा कोना बनाया था, अभी उसमें फिर से मिट्टी गिर गई, सत्यानाश हो गया भैया। बचे बाल 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 के पूरे बच गए वैसे तो। बहुत रिस्की काम स्टार्ट किया भाई इधर हम, वैसे तो मतलब नॉर्मल इधर मिट्टी खुदाते ना तो गिरती है, अपना पहली बार पाला पड़ा इधर। इधर वाले ब्लॉक एक बनाए जा रहे, बीम भरेंगे इधर वाले, तो इनका भी ये प्लाई वगैरह लगा के करा जा रहा रेडी। अभी दोपहर बाद भरेंगे इनको। ये हमारे लादू भैया, ये हमारे पिंटू भैया, वो तक भरेंगे। अभी चलते हैं खाना खाते, फिर मिलते हैं बाद में। चल मेरी धनलो सगाई, अभी हम जा रहे हैं दही लाने, क्योंकि भाई हमारे तो सूखी रोटी नहीं जाती पेट के अंदर, थोड़ा बहुत भाई जानना पड़ता है भाई, घर की आदत रह गई ना साला, छाछ दही के बिना खाया नहीं जा रहा। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाएंगे तब खा पाएंगे, वरना भूखा मर जाएंगे साले। इधर भाई इधर की रोड वगैरह एकदम मस्त है, एक नंबर। थोड़े दिनों बाद में अपना सेटअप हेलमेट पे बनाएंगे एकदम मस्त वाला। हेलमेट नया ख़रीदना पड़ेगा इधर, तब जाके कोई मेरा सेटअप बनेगा। अभी ऐसे काम चलाना पड़ रहा है।
ये इधर वाली होटल है ना, ये भी नहीं भैया और लोगों की है। तो आज अभी दे लाते हैं, फिर मिलते हैं। अरे रुक जा रहे हैं जी, हमारा किचन मेरा तो नहीं होता, इनके भैया लोग बना रहे थे। इधर एक रूम बना रहे थे, एक इधर छोटा रूम बना रखे जिसमें किचन विचन है। जो इनके घर वाले रहते हैं ना, जो देख रेख करते हैं, वो रहते हैं रात के इधर, तो उनके लिए बना रहे थे। तो हमारा भी यही किचन है, इधर ही खाना है। देखो तो ये हमारा खाना, दही लाया है बाज़ार से, भाई जमता नहीं है। ये रोटी सब्जी और यह है तख्ता, पलंग बोल सकते इसको, डाइनिंग टेबल हमारा। सुखा जी भी खाना वाना खाते हैं, सबसे बाद में खाना खा लो गाइस। जिनका सिंगल स्टेप फुटिंग है, सिंगल फाउंडेशन बनेगा, उनमें तो ये पहले से इतना मोटा रहेगा, पूरा जाले से बनेगा। और जिनमें डबल स्टेप बनेगा, उनमें नीचे वाला पोर्शन में सरिया को कम मोड़ा जाएगा और फिर ऐसा स्टेप बनेगा ऊपर, ये सब जाल बनाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो अभी आज तो यही चल रहा है, दूसरी तरफ चलते हैं। ये आके भैया, सो अभी इस वाली फुटिंग के लगाई जा रही पलाई, इसके लगाई जा रही कवरिंग, ताकि एकदम फिक्स माप में फिट हो जाए नीचे से। अच्छा, इधर वाले का जाल बन गया है। फिक्स हो जाए मतलब नीचे एकदम। टकाटक खिला दो, खिला और ये तार को घुमाया, खिला को किया टाइट, हथौड़ी से खींचा और ये बजरंग बली का नाम लेके दी खिला गार्ड। तो आज अभी हो गया छुट्टी का टाइम, अभी निकलते हैं। लेबर वगैरह भी अभी जाने के टाइम पे ही है। ये इधर इसका बॉक्स बना रहे हैं। ये भैया देखो, तो अभी हाथ वगैरह धोएंगे फिर निकलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।